Hello children, I am your English teacher and today I am going to take your English class and I will teach you chapter 3 from your English literature book and the name of the chapter is Akbar and Birbal. So before start the chapter, let me tell you something about Birbal and Akbar or Akbar or Birbal. Akbar was a great emperor of his time and Birbal was the most intelligent minister in his court. Many times we have listened the stories of Akbar and Birbal. So in this story there is a doctor who is trying to teach a lesson to Birbal because he dislikes Birbal. As he is a cunning doctor and Birbal is one of the most precious gem of Akbar's court, and Akbar, he is an emperor of his court. So, without wasting any time, I will start the chapter. Once Emperor Akbar fell ill, the doctor was readily called in. Since the doctor did not like Birbal, one of Akbar's 9 gems, he planned to teach Birbal a lesson and thought for king's remedy accordingly. Soon the doctor felt the pulse of the emperor in order to diagnose him. So the doctor said to Akbar, "Your Majesty, I have a medicine that will heal you up again, but you must take it with bull's milk." तो एक बार बादशाह अकबर बीमार पड़ गया. वैद्य को बुलाया गया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि डॉक्टर को बिरबल पसंद नहीं था और वो वैद्य बिरबल को सबक सिखाना चाहते थे. तो बादशाह के इलाज में ही वो वैद्य चाहते थे कि वो बादशाह का इलाज भी कर दें और बिरबल को सबक भी सिखा दें. तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर बादशाह के नफ्स टटोलते हैं उनका इलाज करने के लिए, नफ्स टटोलने के बाद अकबर से कहते हैं, महामहिम, मेरे पास एक दवा है जो कि आपको दोबारा से तंदुरुस्त कर देगा, ठीक कर देगा, लेकिन आपको उसे बैल के दूध के साथ लेना होगा. अकबर वॉज टेकन अबैक एंड आस्क्ड, वेयर विल आई गेट बुल्स मिल्क, प्लीज आस्क बिरबल टू अरेंज इट फॉर मी, सेड द कनिंग डॉक्टर. बिरबल वॉज पजल्ड व्हेन ही केम टू नो अबाउट इट, बट समहाउ ही ओवरकम दैट स्टेट ऑफ माइंड एंड रियलाइज्ड इट वॉज द trick of the doctor to leave him in the lurch. अकबर को रोक के पूछा गया, मुझे बैल का दूध कहाँ मिलेगा, यह डॉक्टर पूछ रहे हैं. और उसके बाद कहते हैं, और वो अपना चाल यहीं पे खेल देते हैं बिरबल को सबक सिखाने के वास्ते. कहते हैं,
कृपया करके बीरबल से कहिए कि वो आपके लिए बैल का दूध कहीं से पिलाए। Birbal was puzzled when he came to know about it. But somehow he overcome that state of mind and realized it was the trick of the doctor to leave him in the lurch. जैसे ही बीरबल ने इस बारे में सुना, बीरबल परेशान हो गए। उसके बाद जैसे तैसे बीरबल ने अपने दिमाग को शांत किया और उसके बाद बीरबल को समझ में आया कि यह उस चालाक वैद्य की तरकीब है जो उसे परेशानी में डालना चाहती है, या फिर परेशानी में डालना चाहता था। कौन परेशानी में डालना चाहता था? वो वैद्य, वो डॉक्टर बीरबल को परेशानी में डालना चाहता था ताकि वो उससे सबक सिखा सके। बीरबल कैम बैक होम ग्रीन एंड ग्लूमी। बींग आस्क्ड बाय हिज डॉटर ही डिस्क्राइब हर द होल मैटर। नो सूनर सी हैड लिसन टू हर फादर देन सी गॉट रेडी टू कैरी आउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीरबल घर आते हैं और गंभीर हो जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो उनकी बेटी देखती है कि बीरबल कुछ परेशान है, तो बेटी पूछती है और बेटी के पूछने पर बीरबल ने अपनी बेटी को पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद बीरबल की बेटी ने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हुई। बीरबल की बेटी ने अपने पिता की भी बात नहीं मानी, क्योंकि वो आधी रात की बात है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। तो जैसे ही बीरबल की बेटी ने उस समस्या को सुना तो वो इस समस्या को समाधान करने के राह पे उसी रात को निकल पड़ी। एट मिडनाइट व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द टाउन वेयर फॉल असलीप, यहाँ पे ये फास्ट नहीं होगा, यहाँ पे फॉल होगा, फॉल असलीप, बीरबल डॉटर टुक अ पील ऑफ क्लोथ एंड रिच द रिवर जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम विंडो। शी बिगेन टू वॉश देम मेकिंग पिकुलर साउंड थ्वाक स्प्लैश थ्वाक। अकबर कुड नॉट हेल्प scolding his guard and sent him to find out the person making so much noise in the night. The guard reached the spot, however, to his surprise, he saw that a lady was washing her clothes. The guard asked her sternly, "Who are you?" The lady replied, "I am my father's daughter." The guard asked impatiently, "Who is your father?" She said, "He is my mother's husband." Being impatient and irritated, the guard thought he would hardly collect any information from her this way. So he told her to appear before the emperor. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में बताया था कि उनकी बेटी बात नहीं मान अपने पिता की भी बात नहीं मानती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए आधी रात को ही निकल जाती है घर से। आधी रात को जब सारा शहर सो रहा होता है तब बीरबल की बेटी कपड़ों का ढेर लेके अकबर के सोने वाले कमरे के खिड़की के ठीक नीचे पहुंच जाती है और कपड़ों को धोना शुरू करती है। और कपड़ों को धोने का जो अजीबोगरीब ध्वनि जब बादशाह अकबर के कानों में पहुंचती है तो वो खुद को नहीं रोक पाते हैं और गुस्से से अपने रक्षक को
कहते हैं, जाओ जाकर देखो कौन है जो इतनी रात को इतना शोर मचा रहा है। जब रक्षक मौके पर पहुंचता है तो वह चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि एक औरत कपड़े धो रही है। रक्षक ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। रक्षक ने बेसब्री से पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? औरत ने जवाब दिया, वो मेरे माँ के पति हैं। रक्षक गुस्सा होता है और बेताब भी, और सोचता है कि इस तरह वो उस औरत से कोई जानकारी नहीं ले सकता और औरत को बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहता है। ओके, व्हेन द गर्ल अपीयर्स बिफोर द एम्परर, अकबर आस्क्ड हर, जब लड़की बादशाह के सामने लाई जाती है तो अकबर उससे पूछते हैं, व्हाई वेयर यू पशिंग क्लो इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आप तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की जवाब देती है, क्या कहती है, योर मैजिस्ट्रेट आई बेग यू पार्डन बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प इट, आई नीड क्लीन क्लोथ फॉर माई फादर हु हैड गिवन बर्थ टू अ बेबी। लड़की कहती है, महामहिम मुझे माफ़ किया जाए, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मैं इसलिए कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मुझे साफ कपड़ों की ज़रूरत है। टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़। ये सब बातें सुनने के बाद बादशाह कहते हैं, व्हाट अ नॉनसेंस, Whoever heard of a man giving birth to a baby? Shouted Akbar in utter astonishment. The girl replied, "Your Majesty, nothing is impossible these days. If a bull can give milk, why cannot a man give birth to a baby?" ये सुनने के बाद बादशाह गुस्से से चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या किसी ने सुना है कि एक आदमी ने किसी बच्चे को जन्म दिया हो? उसके बाद लड़की कहती है, महामहिम इन दिनों कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि अगर एक बैल दूध दे सकता है तो एक मनुष्य बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता? As soon as Akbar heard this explanation, he instantly guessed who she is. Such a clever and witty girl could only be Birbal's daughter. जैसे ही अकबर ने यह स्पष्टीकरण सुना, उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं हो सकती, वो इतनी चलाक और मजाकिया है, इससे लगता है कि वो बीरबल की ही बेटी हो सकती है। ही लाफ एंड सेड, यू वॉन, नाउ यू गो होम एंड इन्फॉर्म योर फादर दैट आई एक्सेप्ट माई डिफीट। बादशाह हंसते हैं और उस लड़की से कहते हैं, तुम जीत गई, अब तुम घर जाओ और अपने पिताजी को सूचित करना कि मैंने अपनी हार स्वीकार की। सी बाउड हर हेड टू एम्परर एंड हैप्पीली लेफ्ट फ्रॉम फॉर होम। उसके बाद उसने अपना सर बादशाह के सामने झुकाया और खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गई। इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यह चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।